हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ इस सर्दी को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सर्दी में भी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है और हवाएं जो हैं वो मजीद तेज और ठंडी होती चली जा रही हैं। एनीवे जनाब, सर्दी के हवाले से तो बहुत सी बातें होंगी और मेरा ख्याल है पूरा दिसंबर पूरा जनवरी जो है वो हम ही हवालों से बातें करते रहेंगे। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बर्फबारी भी अब शुरू हो चुकी है और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो फैशन शोज़ का भी इनेकाद होना शुरू हो चुका है, जो विंटर कलेक्शन है वो आना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल सर्दी के हवाले से जो है वो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर जिसके आने के बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलचल मच चुकी है, बड़ा हंगामा हो रहा है, जगह जगह पर मुजाहरे किए जा रहे हैं, वो खबर है ट्रंप की जानिब से कल आने वाले बयान के हवाले से, जिसके बाद उन्होंने बैतुलमक़दस को, मकबूज़ा बैतुलमक़दस को इसराइल के सपोर्ट कर दिया है और कहा है कि ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे आलम इस्लाम में तमाम लोगों में शदीद तशवीश है, शदीद ग़म व गुस्सा है, बहुत से बयानात दिए जा रहे हैं, तमाम आलमी रहनुमा यकजा हो चुके हैं और ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो हमारे फ़लस्तीन के सदर हैं उनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं, उनकी जानिब से आज मुजाहरे किए जा रहे हैं उनके मुल्क में, बल्कि साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमास हो, उसने भी आज के दिन को यौम करार दिया है, फिर ईरान हो चाहे शाम हो, इन लोगों ने भी बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की है ट्रंप के इस फैसले की। और तुर्की में तो हम देख रहे हैं कि इस्तंबुल के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है उसके बाद तो लोग जमा हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो गम गुस्सा है उसका इजहार किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना ये इकदाम उठाया है ट्रंप ने। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनती जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि जब ट्रंप आए हैं तो इसके बाद सूरत हाल अब क्या होगी, ये जो फैसला किया गया है क्या पूरे आलम इस्लाम इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी कि ट्रंप जो है वो अपना ये फैसला वापस ले लें, और ओवरऑल जो इस्लाम दुश्मनी की पॉलिसी चल रही है, क्योंकि हमारे वजीर खारजा जो है उन्होंने भी ये बयान दिया, उनका कहना है कि इस तरह का इस्लाम दुश्मनी का नमूना इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया, और वाकई में ट्रंप जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं इसके ऊपर पूरे ही लोग जो है वो शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो जनाब ये तो एक अहम सिचुएशन है, अब देखना यह है कि क्या ये प्रेशर इतना बिल्ड किया जाएगा कि ये सिचुएशन कवर अप हो सके, क्या ट्रंप अपना फैसला वापस लेंगे या नहीं, सबके ऊपर आज के शो में बात करेंगे। इसके अलावा जनाब आज कुछ अहम समाते हैं जिस हवाले से अपडेट्स भी आपको मिल रहे हैं और कुछ मजीद बातें भी जो है वो शो में शामिल करेंगे। अच्छा, ट्रंप के हवाले से बात हो रही है, इसराइल फलस्तीन के मामले पे बात हो रही है, तो जहां बात करें थी कि आलमी दबाव के बावजूद अब क्या फैसला आएगा, तो आलमी दबाव तो ऑलरेडी था, उसके बावजूद भी अगर ट्रंप का ये फैसला आया है तो अब देखना यह होगा कि ट्रंप को इसराइल के हवाले से इस फैसला करने के क्या समरात भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो अभी हम देख रहे थे कि जेम्स मैटिस पाकिस्तान आए थे, सिफारती ताल्लुक बेहतर करने की बात हो रही थी, पाकिस्तान समेत दुनिया में कोई भी मुस्लिम ममालिक हो, पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुस्लिम ममालिक हो, पाकिस्तान समेत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल में ट्रंप के इस फैसले के अगेंस्ट सभी खड़े हैं, और ट्रंप को देखना ही होगा कि उसने बाकी ममालिक के साथ में इस फैसले के बाद अब रवाबित किस तरीके से रखने हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने तो बड़ा खैरमकदम किया है लेकिन इसके समरात अमेरिका भुगतेगा ज़रूर, और साथ साथ फिर वहाँ पर कशीदगी भी पाई जाएगी इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, डेफिनेटली वहाँ पर तसादम भी होगा, डेफिनेटली वहाँ पर मुसलमान भी एहतजाज करेंगे और यहाँ हम भी एहतजाज करेंगे। अच्छा जी, ओवरऑल सूरत हाल तो ये हो गई आलमी बैन अल-अक़वामी खबरों के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ी खबर जो है मकबूज़ा बैतुलमक़द्दस के हवाले से थी, लेकिन अब कुछ बात करते हैं हमारे अपने मुल्क की और हमारे उस शहर कराची की जो कि 75% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को देता है, लेकिन वहां पर हाल ये है कि वहां पर बिजली है ना, पानी है ना, गैस है और बहुत सारी ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जिससे ये मेगा सिटी महरूम है। और कुछ ना करें तो अगर ट्रैफिक की बात कर लें तो उसी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीन एज के लोग जो हैं वो भी बाइक जो है वो चला रहे होते हैं। कल ही माई फादर हैड एक्सीडेंट, तो उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैंने पूछा अपने अब्बू से कि आपको इतनी चोटें आई हैं, आपका एक्सीडेंट
हुआ है, आपने उसको कुछ कहा नहीं, तो मेरे फादर ने कहा कि वो बहुत छोटा बच्चा था जो बाइक चला रहा था। तो पाकिस्तान में ट्रैफिक का तो ये उसूल है कि किसी को भी आप बाइक दे देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्या एज है उसकी, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, इस हवाले से कोई कानून नहीं है। लोग पानी की किल्लत से मर रहे हैं यहाँ पर, लोग जो है वो नागहानी बिला वजह की जो है आफतों से मर रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई ब्रेक गिर जाती है, कोई फ्लाईओवर का नाकिस काम होता है, कहीं पर स्कूलों की छतें गिर जाती हैं। तो जहाँ पर हमारे बड़े मसले हैं वहाँ पर हमारा एक मसला ये भी है कि एक तो रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं बनते, और फिर दूसरा जो कराची की सूरत हाल है उसके ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते, और तीसरी बड़ी बात आज बात करेंगे हम हमारे पॉप गुलकार के हवाले से, नाख्वा के हवाले से, मजहबी स्कॉलर के हवाले से, जुनेद जमशेद जो कि एक साल पहले हम सबको छोड़कर चले गए, दिल दिल पाकिस्तान से उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया और चांद सितारा पे उनका ये सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। एक गाना उन्होंने बनाया था कि इन हवाओं में रहना है मुझे, और वो इन हवाओं में ही रहे, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में ही रहे। आज उनके हवाले से भी हम बात करेंगे, उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे, उनकी यादें। जब तक उनकी तशद्दुद केस की समाअत इस्लामाबाद की ATC अदालत में शुरू हुई, और अदालत में पेशी के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि आज बहुत अहम केस की समाअत थी, SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस की समाअत कुछ देर पहले शुरू हुई, जिसमें पेशी के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो सब इसकी सख्त मुज़म्मत करते हैं। दूसरी चीज के फिर से मैं दहशतगर्दी के केस के ऊपर यहाँ फिर से आया हूँ। ये सिर्फ जो फैशिस्ट और जो जिनके अंदर डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, जो एक मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले हुए, वो ही केस कर सकते हैं किसी को दहशतगर्दी का, जिसके ऊपर केस कर सकते हैं जिसने एक पुरमन एहतजाज किया। SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस की समाअत इस्लामाबाद की ATC अदालत में हुई। इमरान खान इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना है कि फिर से दहशतगर्दी केस में पेश हुआ हूं, डिक्टेटोरियल इस वक्त दौर है और गोद में पले बड़े आर्मी के लोग आज हुकूमत कर रहे हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कवर अप किया गया, पुलिस ने नाम नहीं लिया उन्होंने लोगों के, झूठ सामने आया शहबाज शरीफ का, डिसंगेजमेंट की बात जो बिल्कुल झूठ निकली, और राणा सनाउल्ला ने वो मीटिंग पे प्रेसाइड किया जिधर फैसला किया गया कि दहशत फैलाएं और गोलियां मारें पुरमन एहतजाज करने वालों को। अगर किसी को भी दहशत गर्दी में अंदर जाना चाहिए, नंबर वन शहबाज शरीफ और नंबर दो राणा सनाउल्ला, जिसको आबिद शेर अली का बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। ये हैं इनके लोग जो हैं इस मुल्क के दहशतगर्द। वो लोग जो पुरमन एहतजाज करते हैं वो दहशतगर्द नहीं है, ये हैं वो लोग। और जो सारे दिन दिहाड़े TV पे लोगों ने देखा कि वो बेचारे नहाते लोगों को इन्होंने गोलियां मारी, जिसमें दो ख्वातीन थी, क्लोज 3-3 फुट की रेंज से उनके मुंह के ऊपर गोलियां मारी, ये हैं वो दहशतगर्द। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब और पैट को हम ये पूरा इत्मीनान दिलवाना चाहते हैं कि जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, हम उनके साथ होंगे। जी हम उनकी पूरी हिमायत करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये नहीं कि ये पैट के वर्कर्स हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं। इसका मतलब कि कोई भी अगर इस तरह की अगर चीज को पर, मैं कौम को कहता हूं आप एहतजाज नहीं करेंगे, आगे आपकी बारी आएगी, इस तरह दिन दिहाड़े और लोगों को मार देंगे और फिर उन्हीं के ऊपर दहशतगर्दी का केस कर देंगे। इसलिए ये हमारी अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको निकल के एहतजाज करना चाहिए ताकि इनको एक सजाएं मिलें, इनको पता चले कि ये कौम ये इस तरह की दहशतगर्दी, और ये है दहशतगर्दी, इसको तस्लीम नहीं करती। उम्मत मुसलमा को पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि सब करप से गुजर रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? वो हमारी हुकूमत, हमारे पुतले प्राइम मिनिस्टर को वो स्टैंड लेना चाहिए जो कि अर्दोगान ने लिया है। अर्दोगान का पार्लियामेंट में, तुर्की पार्लियामेंट में एड्रेस देखें, उसने स्टैंड लिया है,
वो लेना चाहिए सारे मुसलमान ममालिक के सरबराहों को और OIC को, OIC को जो उन्होंने कॉल किया वो बिल्कुल ठीक किया है। सारी मुसलमान दुनिया को इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो ट्रंप जैसे लोग मुसलमानों को इंसान ही नहीं समझते। खान साहब का म्यांमार शरीफ ने खुद लंदन में इस बात का इकरार किया है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम के साथ साथ दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। अपनी कैबिनेट पे अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया है, क्या ये आपके वक्फ की तायीद नहीं होती कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए? मैं देखें, कोई भी मुझे बताए कि कोई हुकूमत नज़र आ रही है, जिस तरह ये अभी फैज़ाबाद का धरना हुआ था, कोई दुनिया में इजाज़त देता है कि आराम से चुप करके बैठे रहो? गवर्नमेंट का क्या काम था? गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही थी पार्लियामेंट के अंदर एक नाहिल छोड़े एक मुजरिम पार्टी का सरबरा बन सकता है, उनका पूरा उस पर जोर लग रहा था। 20 दिन से लोग बैठे हुए थे और वो वही जवाब मांग रहे थे जो नून लीग के खुद इनके अपने शहबाज शरीफ ने डिमांड किया, वो जवाब जो कि फैज़ाबाद वाले लोग मांग रहे थे, और वो ये था कि हमें बताया जाए कि ये किसने ये अमेंडमेंट लेके आया है, इसकी वजह क्या थी, पीछे कौन सी प्रेशर पड़ा था कि खुफिया तौर पे एक अमेंडमेंट पेश कर दो जो ना कमेटी में डिस्कस करो ना पार्लियामेंट में डिस्कस करो। और दो दफ़ा जायद अहमद जो वजीर थे उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, क्यों झूठ बोलने की जरूरत पड़ी थी? तो ये तो PML की अपनी डिमांड थी, इन्होंने जफरुल्ला कमेटी बनाई थी, तो वो 20 दिन से बैठे हुए हैं और ये लगे हुए हैं कि सिर्फ मकसद है कि एक करप्ट एक वो आदमी जिसने 300 अरब रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर लेके गया है, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जनाब बजाय इस आदमी को बचाने के लिए आप जवाब दे दें, तो बजाय जवाब देने के उनके ऊपर एक सबसे बड़ा जो इनका जो झूठा रिश्तो जो कि सबसे बड़ा मोतबर झूठ बोलता है मोतबर शक्ल बना के एहसन इकबाल कि जनाब मैं 3 घंटे में साफ कर दूंगा, बजाय ये कि आप उनसे बात करें इसके डंडे का इस्तेमाल किया और ये शुक्र करें कि पाकिस्तानी फौज ने और उन्होंने ना मदद करते इनकी, अगले दिन अजाब आ जाना था इस मुल्क में। खान साहब, PTI डिमांड करती है रेजिग्नेशन आफ्टर वाकिर नजफी रिपोर्ट, शहबाज शरीफ का और राणा सनाउल्ला। मैं कहता हूँ इनको दोनों को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए और इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए दहशतगर्दी की, ये है दहशत। आप नहते लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं, 80 लोगों को गोलियां मार रहे हैं, वो दहशत है या ये दहशत है कि आप कह रहे हैं जी इलेक्शन में धांधली हुई है आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और मुझे मैंने दहशतगर्दी की या इन्होंने की है कि आप गोलियां मार रहे हैं? और मकसद क्या था? मकसद ये था कि इनको डर लगा हुआ था कि ताहिरुल कादरी फिर से धरना ना दे दे जो उन्होंने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में दौर में दिया था। अब पीपल्स पार्टी का रवैया देखे, उन्होंने धरने से कैसे डील किया, और इनका रवैया देखें जो कि एक डिक्टेटर की पैदावार है, इनका क्या रवैया था उसी धरने के ऊपर? उसी परेड ग्राउंड में आसिफ अली सरदारी ने भी जलसा किया, उसी परेड ग्राउंड में आसिफ अली सरदारी ने भी जलसा किया, खुशियां मनाई, भंगड़े डाले, उस पर तब्सरा करेंगे? सरदारी साहब तो धमाल डालते रहे स्टेज। मैं वैसे आसिफ सरदारी का जो बाकी तो मुझे वो उसका जलसे का पता नहीं क्या बातें हुई हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने वो डांस किया है ना, मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी और परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। जी लास्ट नो, मेरा क्यों मुआवजना किया जाता है सुल्ताना डाकू से? वो आदमी जिसने मुल्क का पैसा चोरी करके 300 अरब रुपया 30,000 करोड़ रुपया मुल्क के बाहर लेके गया है, वो आदमी मेरे से मुआवजना कर रहा है के एहतजाज को कवर अप कर सकेंगे? कैसे फिर वो इन तमाम ममालिक से सफारती ताल्लुकात बेहतर कर सकेंगे? क्या उनकी पॉलिसी वाकई में माइनस मुस्लिम है? अब ये देखना होगा आगे आने वाले उनके US के इजलास में। चले जनाब, यही सेम खबर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुजाहरे किए जा रहे हैं, हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर आवेज़ की हुई है और ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो झंडा है वो जलाया जा रहा है। जो फैसला सामने आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि OIC जो है उसने भी 13 दिसंबर को एक इजलास बुला लिया है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अरब लीग ने भी जो है वो हफ्ते के दिन हंगामी इजलास तलब किया हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, और इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपको
आगाह करते रहेंगे। तो ये तो मेन खबर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जनाब, अगर आज के दिन के हवाले से आपको बताएं तो आज का दिन कुछ अहम मुलाकातों के हवाले से भी इंतहाई अहम है। आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है नवाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से, और उसके साथ साथ इसहाक डार भी जो है वो उनसे लंदन में मुलाकात करेंगे और जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि एक और अहम मुलाकात हो रही है लाहौर के अंदर, और वो मुलाकात हो रही है आसिफ अली जरदारी की ताहरुल कादरी से। इससे कबल हमने देखा कि ताहरुल कादरी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने इस रबते के अंदर बाकर नशवी रिपोर्ट के हवाले से जो भी अपने तहफात थे वो एक दूसरे के साथ शेयर किए, जिसके बाद आज ये मुलाकात मुतवक़ है। तो ओवरऑल आज का दिन मुलाकातों के हवाले से, समातों के हवाले से भी अहम है। समात आज एक तो इमरान खान के केस की हो रही है, उसके अलावा जनाब नवाज शरीफ के जो केस है उसकी भी आज समात हो रही है। अलजीजिया मिल्स केस हो और लंदन के जो फ्लैट्स हैं उस हवाले से आज उनके केस की समात होगी। तो आज का दिन जो है वो समातों और मुलाकातों से बिल्कुल, और आज की जो समात है अजीजिया स्टील मिल्स के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट समात है। उसमें देखना ये कि अब क्या रिमार्क्स आते हैं और क्या आगे ये जो समात है वो रुख इख्तियार करती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और मेन लीड है जो है कि है भारत से सुलह करा सकता हूँ, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल रोशन है। सादिक खान, सादिक खान पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है, और डेफिनेटली वो लंदन के मेयर हैं, उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऐसी कोई पेशकश की है जिसके बारे में यहाँ पर लीड भी लगाई गई है और वो यही चाहते हैं कि भारत से जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर मशवरा लेना चाहिए सादिक खान से कि जो मामला जो है वो हम सब मिलकर, हमारी पूरी सियासी क़यादत मिलकर ठीक नहीं कर पा रही है, वो ताल्लुकात किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, क्या उसमें कश्मीर का एजेंडा शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और जब तक कश्मीर के मामले पे तमाम मामला बेहतर नहीं होते तो हम किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को खुले दिल से उनकी इस एडवाइस को कबूल करना चाहिए और साथ साथ उनका मशवरा भी सुनना चाहिए कि जो अमन है किस तरीके से मुमकिन है। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा अगर यहाँ की मेन लीड की बात करूँ तो वो सुप्रीम कोर्ट का बयान यहाँ पर लगाया गया है कि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कर वजीर आला सिंह जो है वो अदालत में पेश हुए थे और कराची के जो मसाइल हैं, स्पेशली पानी का जो मसला है, साफ पानी का मसला, उस हवाले से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 10 दिनों का अदालत की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि हमें रिपोर्ट बताई जाए कि क्या मसला है और मसले ये हल क्यों नहीं हो पा रहे। जिसके ऊपर मुराद अली शाह ने जो है वो काफ़ी बयान दिए और उनका ये कहना था कि जनाब सिर्फ सिंध ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप पंजाब की बात करें, पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी पानी के यही हालात हैं, फुजला मिला पानी वहाँ पर मिल रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो चीज़ें हैं इससे मसाइल का कभी भी हल नहीं निकलता। मेरा ख्याल है कि जो अपने दायरे इख्तियार में चीज़ें आती हैं पहले उनके मसाइल का हल निकालें तो सूरत हाल मेरा ख्याल है मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और खबर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का दिन मुलाकातों के हवाले से बड़ा अहम है, तो आज इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान भी आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिनकी अहम मुलाकातें आज के दिन के हवाले से मुतवक्के हैं। दूसरी जानब इमरान खान के हवाले से एक और खबर यहाँ पर लगाई गई है और उनका कहना है कि आइंदा हुकूमत हमारी होगी, जो कि सेम बयान हर मरतबा उनकी जानब से दिया जाता है। लेकिन उन्होंने एक और यहाँ पर बयान मैंशन किया है कि वजीर आजम बना तो कौम को 800 अरब इकट्ठे कर दिखाऊंगा। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, हुकूमत को तनकीद तो की जाती है, लेकिन अभी रीसेंट तनकीद हमने देखी कि पेशावर मेट्रो के हवाले से भी इमरान खान के ऊपर की जा रही है कि पहले तो आप बड़ा बातें करते थे कि इस्लामाबाद में क्यों मेट्रो बनाई जा रही है, लाहौर में क्यों मेट्रो बनाई जा रही है, अब आप खुद पेशावर के अंदर मेट्रो बना रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जितने फंड्स इस मेट्रो में लगाए जा रहे हैं उतने ही तकरीबन लाहौर और इस्लामाबाद की जो मेट्रो थी उसमें भी लगाए गए थे, तकरीबन 57 अरब रुपए के। और उस पर इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि भैया आप तो खुद तनकीद करते थे, अब आपने खुद मेट्रो बनाने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो ये सोचा था कि रेलवे ट्रैक जो उसके साथ है उसको भी बेहतर कर देंगे, लेकिन हुकूमत तो हमसे कॉपरेट ही नहीं करती है, और हुकूमत कॉपरेट करे तो फिर हम तमाम चीज़ें करें। और मेट्रो बनाने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो एरिया है उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती चीज़ें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दो रोड्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखा जाए तो जो है वो बहुत कंजस्टेड है। तो इस वजह से उन्होंने ये जो है वो बात की कि जी इसलिए हुकूमत हमारे साथ में बेहतरी के लिए, हुकूमत हमारे साथ में बाकी चीज़ों के लिए मानती नहीं है, तो हमें ये करना पड़ा। और दूसरी बात जो शॉर्ट न्यूज़ अगर मैं शामिल करूँ तो यहाँ पर है कि कौमी असम्बली का 50वां इजलास आज शुरू होगा और इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास है, इसमें बड़ी अहम उमूर पर जो है वो बातचीत का तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की दरख्वास्तों के खिलाफ तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। और जो दूसरी खबर है वो है यहाँ पर मौसम के हवाले से कि आइंदा 48 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी रहेगी, यानी कि कराची में भी सर्दी की जो लहर है वो बरकरार रहेगी और कराची वाले जो है अभी भी सर्दी को मजीद इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं सफा कल देख रही थी कि जो खबरें आ रही थी उसमें बताया गया है
से तकरीबन -10 डिग्री सेंटीग्रेड कोयटा के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। तो आप समझे कि कोयटा की जब ठंडी हवाएं कराची में चलती हैं तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं इतनी ठंड आ गई। अच्छा, मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि हमारे स्टूडियो में जो है वो अभी कौन सा टेम्परेचर चल रहा है? आई गेस माइनस में होगा, आई एम डेड श्योर, बहुत माइनस में होगा क्योंकि मेरे पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, यहाँ पे एसी चल रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हम रुख करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में आज हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत की और वहाँ पर क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं, मौसम के क्या हालात हैं, कौन से इवेंट्स हैं, कौन से मेगा इवेंट्स हैं। डेफिनेटली अब मंडे से फिर कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट होगी, तो इस हवाले से जानते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद अपडेट कीजिए। देखें इस्लामाबाद में सबसे अहम तो आज देखें आज अल अज़ीज़िया जो केस है नैब कोर्ट में वो चल रहा है, उसमें इस्तगासा के जो गवाह हैं मलक तैयब उनका बयान दो रोज़ से कलमबंद हो रहा है, तो आज उनको बयान मुकम्मल करना है हर सूरत में। इसी वजह से आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी समाअत रखी गई है अल अज़ीज़िया स्टील मिल के हवाले से। और उसके साथ साथ आज इमरान खान का दहशतगर्दी अदालत के रूबरू आज अदालत के सामने पेश हुए, गुज़श्ता समाअत पर भी पेश हुए थे, ताहम उनको 11 दिसंबर तक अबूरी ज़मानत में तौसी दे दी गई, लेकिन एक बार फिर उनको मंडे को तलब किया गया है अदालत की जानिब से। ताहम उनके वकील ने आज अदालत के जो इस्तेकाक है उसको चैलेंज किया है कि चूंकि हमारे किसी कारकुन के पास एक डंडा तक नहीं था तो दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे होगा, दहशतगर्दी की कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। ताहम इस हवाले से भी अभी फैसला होना बाकी है, 11 दिसंबर को अदालत इस हवाले से फैसला देगी। उसके साथ साथ जो मेयर ऑफ लंदन है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान आए हुए इस्लामाबाद में मौजूद है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो खासी अहमियत की हामिल होगी। उसके साथ साथ जो ATR 13 हादसा केस है उनके लवाहिकीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास है और उसके साथ साथ कौमी असम्बली का 50वां इजलास जिस तरह के आपने पहले बताया कि वो इजलास होने जा रहा है वो भी खासी अहमियत का हामिल होगा। और जहाँ तक आप मौसम की अगर बात करें तो मौसम इस्लामाबाद का इंतहाई खुशगवार है, खुश्क जरूर है क्योंकि खुश्क साली के बायस धूल मट्टी तो जरूर फैली हुई, लेकिन खासा सर्द है दीगर शहरों की तरह। मौसम को आप भी इंजॉय करें, मजीद भी आपसे अपडेट देंगे। इस वक्त रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा हुमा बट, उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सूरत हाल है, मौसम किस तरह का है और इवेंट्स कौन कौन से होने जा रहे हैं। जी हुमा जी बिल्कुल, अभी टेंशन्स और परेशानियों के माहौल में जहां पर सियासी जुमलेबाजी और सियासी बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी ही रहता है, आज लाहौर में जो है वो रंगारंग और कलरफुल थोड़े से इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आगाज होगा जी वेटनरी यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स डे से, स्पोर्ट्स गाला यहाँ पर मुनक्द किया गया है, वहाँ पर यकीन मज़े के और स्पेशली अच्छे अच्छे हमें वहाँ पर इवेंट्स दिखाई देंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना खेलना पसंद करेंगे और स्पेशली एक चाटी रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा। तो उस जगह पर वहाँ पर हमें चाटी रेस के जो कलर्स हैं वो बिखरते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में हम लोग जाएं तो जनरल हॉस्पिटल में भी आज फेयरवेल और साथ ही साथ वेलकम पार्टी जो है वो अरेंज की गई है, MBBS फर्स्ट प्रोफेशन और लास्ट प्रोफेशन जो है प्रोफेशन उसके लिए अरेंज की जा रही है। इसके बाद हमें नजर आएगी एशियन गेम्स फन रन, जहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे कलर्स बिखरते हुए और इन्जॉय करते हुए बच्चों को, और इसके अलावा जो एंड पर हम लोग बहुत फूलों की खुशबू जो है वो क्योंकि यहाँ पर फैल रही है तो एक फ्लावर एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया गया है जलानी पार्क में। तो आज दिन का आगाज जो है आगाज से लेकर एंड तक हम लोग खुशबुओं और एंजॉयमेंट में क्या बात है, जबरदस्त स्टार्ट है आज दिन का और लाहौर में बड़े सारे इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ बट अपडेट करें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और अब कुछ बात करेंगे पॉप गुलूकार से नाथ्वा और मजहबी स्कॉलर तक का सफ़र करने वाले जुनेद जमशेद की, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज एक बरस बीत चुका है और कैसे ये साल गुजर गया सबा, बिल्कुल लोग इंतहाई गम मना रहे थे और मतलब आज तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तमाम जो गम है वो ताज़ा हो चुके हैं। और याद है हम जो है वो ट्रांसमिशन के लिए अपने शो की प्लानिंग कर रहे थे और अचानक से हमें रात को पता चला कि इस तरह का ये सानिया हुआ, ये हादसा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा था कि शो पर हम जाके बात क्या करेंगे, मतलब यकीन ना आने वाली बात थी। तो बिल्कुल हरदिल अजीज शख्सियत हैं और आज उनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। को तैयारा हादसे के नतीजे में दारे फानी से कूच कर गए, मगर उनके मद्दा रहती दुनिया तक उन्हें याद करते रहेंगे। सानिया हवेलिया जहां बहुत से खानदानों को सोगवार कर गया, वहीं इन बदकिस्मत खानदानों में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद का खानदान भी शामिल था।
और आज इनकी पहली बरसी मनाई जा रही है। सानेह हवेलिया को एक साल होने पर सोगवानों के जख्म फिर ताजा हो गए हैं, जबकि सानेह हवेलिया ने 47 खानदानों को रुला दिया है, लेकिन तमाम लवाहिकीन के दिलों में अपने प्यारों की जो मोहब्बत है वो आज भी उसी तरह से ताज़ा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एंकर पर्सन वसीम बदामी जो है वो लाइन पर मौजूद है, उन्हीं से सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये दुख की घड़ी जो है वो किस तरह से उन्होंने गुजारी है। जुनेद जमशेद आज इस दुनिया से चले गए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन अपने जो लोग हैं उनके साथ जो लम्हात उन्होंने गुजारे हैं, उनके बच्चों के दिल जो है वो आज के दिन तड़प उठे हैं। आपने उनके साथ जो है वो काफ़ी वक्त गुजारा है, वसीम कुछ बताएंगे उनके साथ उनके बारे में। कितना ज़्यादा आसान है लोगों के लिए बातों पर यकीन करना या नहीं करना। मैं उनकी ज़िंदगी में भी यही अल्फाज कहता था, फ़र्क ये था कि तब निजी तौर पर ये बातें करता था और उसके बाद अभी अफसोसनाक वाकया हुआ तो फिर एक सूरत हाल ऐसी बन गई कि फिर पब्लिक भी लोगों ने बातें पूछी, टेलीविजन चैनल्स पर ये बातें पूछी जाने लगी। अब मैंने बार बार ये बात की है, मैं आज उनकी जब इस दुनिया से गए हुए उनको एक साल मुकम्मल हो गया तो फिर ये बात दोहरा रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, और ये मुझे मालूम है कितना बड़ा स्टेटमेंट है, मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं देखा। ये आई मीन इट। अब 5 साल का वक्त और उसमें एक महीना तो ऐसा कि जब लिटरली सुबह शाम रात 24 घंटे आप साथ हों और उसमें मुझे एक लम्हा ऐसा याद नहीं पड़ता, एक सेकंड ऐसी याद नहीं पड़ती कि जिसमें उन्होंने किसी भी शख्स की पीठ पीछे बुराई की हो। ये ऑन कैमरा की बात नहीं है, ये एक निजी महफिल की बात है। मुझे ऐसे तो बहुत सारे लोग पता है कि जिनकी उन्होंने बहुत सारी तारीफें की हैं, मुझे एक आदमी ऐसा याद नहीं है कि जिसकी उन्होंने बुराई की हो। प्रोफेशनल हवाले से तो एक अलग बात है, इसको जो प्रोफेशनल है वो ज़्यादा इससे रिलेट कर सकते हैं कि 5 साल में इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन होना किसी एंकर के साथ, 5 साल में इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन होना किसी एंकर के साथ जो कि उम्र में और हर रुतबे में हर लिहाज से आपसे बड़ा हो, कि वो आपको इतना ज़्यादा कम्फर्ट जोन दे कि आप एक लम्हे के लिए भी किसी बात पर अनकम्फर्टेबल ना हो उसके साथ कि जनाब कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी, किसने पहले बोलना है, किसने बाद में बोलना है, ये तो एक प्रोफेशनल हवाले से बात होगी। लेकिन एक और अहम बात, 5 साल में मैंने एक कमेंट, और जब मैं एक कह रहा हूँ तो आई लिटरली मीन इट, एक कमेंट उनसे किसी एक इंसान के बारे में ऐसा नहीं सुना कि जिसके बारे में वो जजमेंटल हो रहे हो, उसकी वज़ाकता की बुनियाद पर, उसके खुलिये की बुनियाद पर, उसके नज़रिए की बुनियाद पर, उसके अकायद की बुनियाद पर, 5 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि जब मैंने किसी भी मसलक, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी मज़हब के बारे में इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात सुनी हो। 5 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि जब मैंने देखा हो कि वो किसी को या मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मकतबा फिक्र की तरफ लाने की, अपने सेक्ट की तरफ लाने की, या किसी भी फिरके की तरफ लाने की, नहीं, वो हमेशा एक अच्छा मुसलमान या अच्छा इंसान बनने की बात करते थे। तो ये मेरा ख्याल है वो चीज़ें हैं कि जो बहुत कम है इस मुआशरे में। ठीक है वसीम, आपकी जुनेद जमशेद की कंपेनियनशिप बहुत अच्छी रही है, बिल्कुल आपको छोटे भाइयों की तरह वो समझते थे। इस पर मजीद भी बात करेंगे कि आपका उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त जुनेद जमशेद की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। वसीम, आपने जुनेद साहब के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी काम किया है, आपका ओवरऑल तजर्बा कैसा रहा, कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको अब याद आती हैं, जब अब आगे भी रमज़ान आएगा ट्रांसमिशन होंगी तो ऐसी कौन सी बातें जो आपको उनकी सबसे ज़्यादा याद आएगी? नशरियात करनी है तो एक तो ये इटसेल्फ मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कन बात थी कि करंट अफेयर्स और वो बिजनेस ट्रांसमिशन, इलेक्शन की ट्रांसमिशन और रमज़ान एक बिल्कुल अलग। वसीम आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही करनी है तो मेरे लिए और हैरान कन भी और आई विल बी ऑनेस्ट थोड़ी सी परेशान कन बात भी थी कि एक एज फैक्टर, फिर उनका बहरहाल जुनेद जमशेद एक नाम, ये तो कैसे सारा सिलसिला हो सकेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जितना ज़्यादा मैं खौफजदा था उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा ये काम जुनेद भाई की वजह से। और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल थी, मुझे ये बात मालूम है, सबको ये बात मालूम है कि उम्र में, ओहदे में, रुतबे में, सीनियोरिटी में, हर एतबार से मुझसे बहुत ज़्यादा आगे थे ऑफकोर्स, लेकिन उन्होंने कभी इसका एहसास ही नहीं होने दिया। वो अपने आप को हमेशा इतना ज्यादा, मैं क्या कहूँ, यानी कि मेरे जहन में लफ्ज़ आ रहा है कि इतना गिरा के रखते थे, डाउन टू अर्थ, दूसरे बंदे को इतना उठा के रखते थे कि आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते थे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। और फिर अगेन वो हर चीज में कोशिश करते थे कि कोई खैर का पहलू जरूर निकल आए। हम हमेशा ये बात जब मीटिंग्स में करते थे रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से,
तो मुझे कहते थे कि यार ये तो ठीक है कि रेटिंग्स के भी अपने तकाजे हैं, हमें बहुत सारी, हमें इस ट्रांसमिशन को ऐसे बनाना है कि व्यूअर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो या नशरियात, वरना अगर लोग ही नहीं देखेंगे तो इसका सारे का सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा, कमर्शियली भी और अदरवाइज भी, कि अगर कोई देख ही नहीं रहा तो आपका मैसेज भी नहीं जा रहा। तो कहते थे ठीक है हम जरूरी रेटिंग के तकाजे पूरे करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी जगह पर बैठा दिया है तो हम ना भूलें कि हमें ऐसे काम भी करना है जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश हो। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की बड़ी खुल के मुखालफत करते थे, वो मीटिंग्स वगैरह में कहते थे कि नहीं मैं ये काम हम नहीं करेंगे इसलिए कि इससे शायद रेटिंग्स अच्छी मिल जाए लेकिन इससे ट्रांसमिशन का जो एसेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी, और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी करते थे। एंड दी मैनेजमेंट ऑफ एआरवाई वाज काइंड इनफ एंड स्टिल इज काइंड इनफ कि जिनके बारे में हमें अंदाजा होता था और अंदाजा होता है अब कि शायद ये रेटिंग वाइज बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी ये चीज़, लेकिन शायद सोसाइटी में एक हमारा थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और हम वो ये काम करते थे। तो रमजान नशरियात को लेकर भी उनके ज़हन में अच्छा वसीम कुछ जब हम बातें सुनते हैं तो हमें फौरन उनकी याद आती है और फौरन ज़हन जाता है जुनैद जमशेद की तरफ। तो आपके साथ तो कई उनकी जो नाते हैं वो रिकॉर्ड भी हुई, आपने बड़ा उनके साथ में काम किया है और एक साल का अरसा अब गुजर गया है, तो ये बताइए कि क्या महसूस करते हैं और उनकी जो हादसा हुआ उस हवाले से जो तहकीकात थी अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? एटीआर जो है उसका मामला कहाँ गायब हो गया? उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उनके जाने के बाद उससे आंखें चुराई हैं, ये बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा मैं उनका कलाम पढ़ता बहुत हूँ लेकिन उनका कलाम उनकी ज़बान में मैं नहीं सुनता। अमजद भाई के हवाले से भी मामला है, मैं अमजद साबरी साहब के कलाम अब नहीं सुन पाता मैं। तो टेलीविजन पर भी अगर कभी जुनैद जमशेद साहब की नाते आ रहे हैं, कोई कलाम आ रहा है तो मैं चैनल चेंज कर देता हूँ, या अगर कभी तस्करा वैसे भी हो रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि बात ज़रा आगे चली जाए। तो ये इतना एक अजीब सा एक पेनफुल सा एलिमेंट है कि मैं इससे ज़रा नज़रें चुराता हूँ, और मैं इस वजह से मैं इस चीज़ को भी मैंने बिल्कुल फॉलो ही नहीं किया है, बहुत ही सरसरी से इसको मैंने फॉलो किया है, वरना मेरे लिए बड़ा आसान था इसका कोई एक सरसरी सा जायज़ा लेके आप बता देना कि भाई ये मामला यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वाक़े के बाद साल पूरा हो गया है, अभी भी ये कहा जाता है कि जनाब इसके हवाले से जो हतमी रिपोर्ट है, जो मुआवजे की अदायगी है, रोज़ सारे मामला होते हैं ही अपनी जगह, और जो हतमी रिपोर्ट है वो ये 2018 में आएगी। तो अफसोस इस बात का होता है कि एक तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग इस तैयारे हादसे में गए, जितने भी लोग गए, हर एक की जान उतनी ही कीमती है, हर कोई अपने बच्चों को उतना ही अजीज था जितना जुनैद जमशेद अपने बच्चों को अजीज था। तो ये बात बहुत फैक्ट है, कोई इस गलत फहमी में ना रहा है कि अगर हम एक शख्स का तस्करा कर रहे हैं तो बाकी जानों की खुदा ना खासा में हुरमत का ख्याल नहीं, हर जान उतनी ही कीमती है जितनी जुनैद जमशेद की जान कीमती थी। हाँ जाहिर है कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला उस स्टेचर पे पहुंचा देता है कि उससे लोगों को फायदा हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनका जाना एक बड़ा लॉस है किसी और इंडिविजुअल के जाने के मुकाबले में। तो ये मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतनी सारी जाने और फिर एक जिनमें से एक जुनैद जमशेद साहब भी थे, वो उनका जाना इस दुनिया से अवॉइड किया जा सकता था। एक तो जाहिर है मुसलमान कैसे से हमारा अकीदा है कि जो रात कब्र में वो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा लॉस अवॉइड हो सकता था अगर हम कुछ बुनियादी ह्यूमन एरर्स पे काबू पा लेते या कुछ बुनियादी तकनीकी गलतियों पे काबू पा लेते। इस चीज़ का अफसोस था और इस चीज़ का अफसोस है, और दुआ ये है कि अल्लाह करे शायद इस वाक़े से हम सबक सीखें। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम इनफरादी और कौमी सतह पर वाक़ात से सबक सीखते नहीं हैं, दो दिन डिस्कस करते हैं, चार दिन आंसू बहाते हैं। अगर इस वाक़े से हम इतना ही कर लें कि इतना सबक सीख लें कि आइंदा इस वाक़े को याद करते हुए और इससे इबरत लेते हुए नहीं सीखते हैं और हर चीज को जो है वो ह्यूमन एरर के ऊपर डालकर खत्म कर देते हैं, और मोस्टली हमारे यहाँ जो परसेप्शन है वो यही है कि जी किस्मत में यही था तो ऐसा हो गया, लेकिन हमें उन चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट करने की और उनको ठीक करने की बेहद अशद जरूरत है। वसीम बदामी हमारे साथ थे और जुनैद जमशेद के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और अब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाक जमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग, आज गुड टू सी यू हियर। सुबह सुबह हमने आपको बुला लिया अपने स्टूडियोज में, लेकिन उसकी वजह भी थी सर, कराची के जितने मसाइल हैं उनमें एक मसला पानी भी है, और कल हमने देखा कि हाई कोर्ट में जो है तलबी हुई वज़ीर आला सिंध की भी, तो उस हवाले से बताइए कि आखिरकार ये मसला हल क्यों नहीं होके दे रहा? कल जो हियरिंग थी चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, जिसमें कि सजाद अली शाह साहब और फैसल अरब साहब भी बैठ, जो कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रह चुके हैं तो इशूज़ को जानते हैं, और पूरे सिंध के पानी का मसला था, कराची का नहीं था, कराची का बहुत एक्यूट था, लेकिन जो वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उन्होंने कोर्ट रूम में, आई डोंट नो कि अगर वो, उन्होंने इसकी इजाज़त दी है मीडिया को कि वो उसको लें और उसको शो करें, जी बिल्कुल ऑर्डर किया उन्होंने, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री अगर आप दिखा दें तो फ्रॉम लाड़काना, शिकारपुर, बदीन,
खैरपुर, ठट्ठा, मिट्टी, कोटरी, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के जो हालात उन्होंने दिखाए, हम जो पानी पी रहे हैं, तीन मसले थे। एक तो पीने का साफ पानी के अंदर दस्तियाबी नहीं है, फुजला मिला पानी है, टॉक्सिक पानी है, पीने के काबिल नहीं, इंसानों के पीने के काबिल नहीं, ये जुमले हैं उनकी PCR WR की रिपोर्ट में। सेकंड बड़ा इशू है सीवरेज। सीवरेज तीन तरह का होता है, एक तो म्यूनसिपल सीवरेज है जो कचरा देखते हैं, एक इंडस्ट्रियल सीवरेज होता है, और एक हॉस्पिटल मेडिसिन का जो हॉस्पिटल का जो सीवरेज होता है, वो तीनों का तीनों। तीसरा मसला जो वहाँ डिस्कस हुआ वो सैनिटेशन का था, कि ऑब्वियसली जब वो गार्बेज की कहीं डंपिंग नहीं हो रही, उस गार्बेज का कोई निज़ाम नहीं है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट पूरे सूबे में नहीं है, तो वो गार्बेज कहीं ना कहीं लुढ़कता लुढ़कता एक तो म्यूनसिपल कमेटियाँ उसको वहाँ फेंक रही हैं, दूसरा आपके और हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है कि हम अपने घर के बाहर अलावा उसको रख दें। हालांकि हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में लैंडफिल साइट्स होनी चाहिए, कराची में है। तो तीन बड़े इश्यूज थे, और जो उनका ओपनिंग रिमार्क्स था और जो डॉक्यूमेंट्री का भी ओपनिंग रिमार्क है वो है बेसिकली कि हर इंसान का बुनियादी हक है हवा और पानी। हवा पे तो आपका कंट्रोल है नहीं, पानी आपने सप्लाई करना है, वो आप नहीं दे पा रहे तो फिर आप हुकूमत और रियासत किस बात की कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर साहब। लेकिन कल हम देख रहे थे जब ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और जिस डॉक्यूमेंट्री की आप बात करें, वाकई में सारे फैक्ट्स अगर आप देखें तो आपको लगे कि शायद अपनी मौत के हम खुद जिम्मेदार हो रहे हैं इस तरह का पानी पी पी के भी। लेकिन जब मुराद अली शाह ने बात की है तो उन्होंने ये बात बड़ी वाजे तौर पर कही है कि जी ये चीजें एग्जैजरेट ज्यादा की गई हैं, इतने बुरे हालात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैंने क्या कहना है? इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको चैलेंज किया गया। हाँ। चीफ से तो चैलेंज नहीं करेंगे। उनका एक बड़ा बड़ा जबरदस्त रिमार्क था कि चले मैं और आप चलते हैं मिट्टी, शायद मिट्टी का ही उन्होंने नाम लिया। हाँ। और नलके से पानी निकालते हैं, बोतल भरते हैं, मैं भी पीता हूँ, आप भी पिए, आप पियेंगे, उन्होंने मना कर दिया। ठीक, सो यू सी इट्स नॉट लाइक दैट। एक और इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है, क्योंकि दिसंबर 2016 में ये पिटीशन लगी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन फॉर्म किया था जिसको वाटर कमीशन कहा गया, और उसकी सरबराही सिंध हाई कोर्ट के एक जज कर रहे थे, मोहम्मद कलोड़ो साहब। ये कलोड़ो साहब की फाइंडिंग्स हैं। अच्छा। ये कोई मेरी और आपकी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं है, एक जज का वाटर कमीशन की फाइंडिंग है, जिनके साथ PCR WR का इदारा था जिसका काम है वाटर को चेक करना, वो ये बता रहे हैं। और उनकी जो विजिट्स की डेट्स थी वो फरवरी और मार्च और अप्रैल 2017 की थी, तो कोई वो दो साल पुरानी नहीं थी। अच्छा, तो सारे के सारे चीजों की बात करें अगर हम सिंध हुकूमत के हवाले से, वजीर आला सिंध की, आप कह रहे हैं कि कराची का मसला तो उसमें बहुत एक्यूट था, लेकिन ओवरऑल जो बात की गई है सिंध की गई है। चलिए जी, कराची के मसले पे अगर MQM पाकिस्तान की बात की जाए तो वो तो कई उनके पास जो है वो एक्सक्यूजेज हैं कि जी इख्तियार नहीं मिल रहे, काम कर, लंबी लिस्ट है। तो अब इशू ये है कि सिंध हुकूमत के पास तो इख्तियार भी हैं और लाड़काना भी इनका एरिया है, मिट्टी जो है इनका अपना एरिया है, एटलीस्ट अपने इन इलाकों को तो ये बेहतर कर सकते हैं, इनके ऊपर तो काम कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई इसमें क्या सियासत की जा सकती है? पीने के साफ पानी पे मतलब फायदा क्या है? मतलब देयर इज रियली नो पॉइंट। अगर आप ये नहीं दे सकते तो रियासत की और जिम्मेदारी है क्या? मेरे और आपके बुनियादी जरूरियात, बुनियादी हकूक का ख्याल रखना, जो कि आर्टिकल 8 से 40 तक डिफाइंड है। अगर PSP MQM पाकिस्तान की जगह होती तो क्या कर रही होती है एटलीस्ट कराची के लिए? मामला को ठीक कर रही होती है। इख्तियारात आपके पास, वसाइल होते क्यों हैं आपके पास? इसीलिए तो होते हैं इख्तियारात और वसाइल के जरिए आप जो पानी ना दे सकें। देखिए कराची का मसला क्या है पानी का, फिर भी वेरी शॉर्टली आपको दो मिनट में समझाता हूँ कि कराची की आज ये आबादी कहते हैं 16 मिलियन, जबकि कराची की आबादी किसी दौर 25 मिलियन से कम नहीं है। वो तो ट्रैफिक की सूरत हाल से आइडिया हो जाता है, इतनी ट्रैफिक है। देखें बॉस, अगर आप 16 मिलियन के लिए प्लान कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी नॉट कंसीडरिंग द 9 मिलियन। तो वैसे पानी तो उनको भी पीना है, तो उनको तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो प्लानिंग ही गलत हो रही है, मर्दम शुमारी ही गलत है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकती है? नंबर वन बात ये। आज कराची की जरूरत है 1240 मिलियन गैलन पर डे, कराची को मिलता है 550 मिलियन गैलन, कितना शॉर्ट है। 100 मिलियन गैलन आता है हब से, जो कभी बारिशें होती है तो आता है वरना नहीं आता। तो 600 के करीब हमें मिलता है, 600 शॉर्ट है। जब ये 600 शॉर्ट पता चला था 650 मिलियन 8 से 8 साल पहले, तो K4 का मंसूबा बना था। वही मैं आपसे कहने वाली थी, मैं बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ, जब 1240 मिलियन रिक्वायरमेंट थी आज से 8 साल पहले इस शहर की, तो K4 का मंसूबा डिजाइन हुआ था फेज 1 फेज 2 फेज 3 में। फेज 1 अभी ऑन है, जिसका 20% काम हुआ है, विच इज डिलेड बाय 8 ईयर्स।
फेज टू होना है, फेज वन में आना है 260 मिलियन गैलन पानी, सही, फेज टू में आना है 260 मिलियन गैलन, फेज थ्री में आना है 130 मिलियन गैलन, और उसी कॉन्ड्यूट में आना है जो 1000 फुट का 100 फुट का कॉन्ड्यूट ये बना रहे हैं, पाइप लाइन जलती चली जानी है। हम ये कह रहे हैं कि भाई 8 साल पहले ये काम करना था। एग्जैक्टली 20% हुआ है, यदि 2018-2020 से पहले तो यही नहीं बनेगा। तो हम ये कह रहे हैं, पीएसपी का ये मौकिफ है कि शहर की जो रिक्वायरमेंट है उसको 260 से नहीं 200-520 से कम अज़ कम, यानी फेज वन फेज टू को एक साथ कर दें, पानी इसमें छोड़ दें, फेज थ्री पे काम का आगाज कर दें। हाँ। और इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, क्योंकि कॉन्ड्यूट एक ही है, लाइंस डलनी है। तो सर क्यों नहीं कर रहे, ये इतनी ताखीरी हरबे और इस तरह की टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के ऊपर कौन सी सियासत है? वो कल एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कोर्ट में, टॉप अप्स का। अच्छा, और विदाउट सेइंग करप्शन के बहुत से हवाले आए थे उसके अंदर, तो ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है। अगर इस मुल्क में क्या चीज ठीक हो रही है, तालीम ठीक मिल रही है, अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, मेरे आपके घर के बाहर से कचरा उठ रहा है, सड़कें बन रही, क्या हो क्या ठीक रहा है, लेकिन पानी तो यार बुनियादी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम। सर अगर हम पीएसपी की बात करें और जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, कराची एक बहुत बड़ा हब है और डेफिनेटली हमारा जो सारा रेवेन्यू है वो कराची से जनरेट होता है। ये एक ऐसा शहर है जिसको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी, लेकिन सबसे ज्यादा निगलेक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कराची है। बाकी आप अगर शहरों का हाल देखें तो बहुत सी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, मेट्रो बसेस बन रही है, बहुत से सेक्टर्स पर भी तवज्जो दी जा रही है। अगर पीएसपी को अनफॉर्चुनेटली ये इख्तियारात मिल जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले पानी का तो मसला एक है, इसके अलावा और कौन कौन से मसले आप समझते हैं कराची के जो हल तलब हैं और फौरी इमीडिएटली उनके ऊपर काम होना चाहिए? तमाम मसाइल हल तलब हैं, इट्स वी आर एट द फर्स्ट सिचुएशन, सो एवरीथिंग हैज टू बी डन। तो कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ होना है। पीएसपी की प्रायोरिटी क्या है? पीएसपी की प्रायोरिटी क्या है? देखिए पीएसपी की प्रायोरिटी ये है कि नंबर वन का ये काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ठीक, ये काम एम्पावर्ड करने की जरूरत है आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के जो मेयर्स हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, उनका काम है पानी, सेहत, तालीम, अमन अमान, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंट्रोल, ये तमाम काम है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पीएसपी तो अब आएगी इक्तदार में, इंशाल्लाह जरूर आएगी, तो पहला काम ये करेगी इनको एम्पावर करेगी। अच्छा, दूसरा काम जो जरूरी है, जो प्रॉब्लम का है ना, वसाइल की कमी नहीं है, पैसे हैं, पैसे सीएम के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो जब डिस्ट्रिक्ट को दे ही नहीं रही तो डिस्ट्रिक्ट आपको परफॉर्म कैसे करेगी? तो पीएसपी दूसरा काम ये करेगी कि जैसे एनएफसी से पैसा सूबे में आता है, पीएफसी होती है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, पीएफसी करके ये सारा पैसा देगी। कराची के जिन मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं उनमें पानी तो बिल्कुल मेनली है, क्योंकि कहते हैं कि आगे जाके जंग भी जो है वो पानी के अलावा सीवरेज आपको पता है बहुत बड़ा मसला है, बिल्कुल पानी ही पानी हुई भी होती है। अभी रिसेंटली आगरा में जो इफ्तिताह है, बहुत सी चीजों के इफ्तिताह हुए, पार्क्स इवन बने, कल हम बात कर रहे थे कि पार्क्स बने, उसके ऊपर भी अगर आप रास्ते देखें वो पार्क जाने वाले सारे रास्ते पानी पानी है। एक मिसाल आपको बताऊं डिस्क्रिमिनेशन की, सिर्फ देखें इस साल वफाकी हुकूमत का जो पीएसडीबी का बजट है, इट्स मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीज, यानी 1,000 अरब रुपए से ज्यादा है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, मुल्क का 10% बनती है। आपको पता है कितना बजट रखा गया कराची के लिए? नहीं, कराची कम अज कम होना चाहिए। आप अपना हक जो है ना वो तगड़ेपन से लेते हैं, भीख मांग के नहीं लेते, भीख मांग के अपना हक ले रहे हैं, तो फिर यार सियासत छोड़े, कोई दूसरा काम करें, परचून की दुकान खोलें। देखिए 1,000 अरब रुपए अगर विफाक का बजट है तो आबादी, अभी कंट्रीब्यूशन का आपने जिक्र किया ना, अभी कंट्रीब्यूशन को देखते रखते हैं कराची, सिर्फ आबादी के हिसाब से अगर कराची का शहर हो तो 10% बनता है, तो 1,000 का 10% इज 100 बिलियन रुपीज। आपको पता है कितना रखा है इन्होंने? 25 अरब रुपए, वो भी दिया नहीं है, वो भी ये एमकेएम और गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग ने एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, और ये भी जैसे भीख मांग रहे हैं। अरे भाई आप 100 रुपए, अच्छा सिंध का बजट है 344 अरब रुपए इस साल का, इस साल का 344 में कराची की आबादी 2.5 करोड़, मतलब अराउंड 40-45% ऑफ सिंध पॉपुलेशन, सिंध की इकोनॉमी में 85% कंट्रीब्यूट करता है। सिंध ने कितना रखा है बजट? सिंध ने तो डेफिनेटली 12 अरब रुपए रखा है, और दूसरा 344 अरब रुपए में 40% आबादी के लिए सिर्फ एटलीस्ट 100 अरब तो होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूं कि जिस शहर के पास फंड ही ना हो, हाँ, और जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, क्या काम कैसे करेगा? जितना फैलता हुआ शहर कैसे? तो इशू ये है कि इन लोगों के फंड्स की जो फिगर है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। आप देखें कभी भी जब कभी फिगर आती है 25 अरब रुपए, कभी हो जाता है वो 12 अरब रुपए, कभी कुछ और हो जाता है, फिर नए प्रोजेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम पानी देने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आती। तो करप्शन तो है, जहां पर बात
की जाए पाकिस्तान जमीन पार्टी की और एमकेएम की, तो अभी हाल ही में आप दोनों जमातें जो है वो बिल्कुल एक साथ हो रहे थे और इशू ये था कि कराची के मसाइल जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। बहरहाल वो कुछ हो ना सका, वो जो भी हुआ हो गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर हुआ क्या सर, हुआ क्या सर, समझ नहीं आया अभी तक। अब आप बड़ी कंफ्यूज है कि किया क्यों, साथ मिले क्यों। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा और मैं चैलेंज करता हूं सच को, वो झूठ साबित करे। 8 महीने से हमारी मुलाकातें चल रही थी, इसका तो हमने भी कहा, उन्होंने भी कहा, और डीजी रेंजर साहब भी टीवी पर आए, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया कि जी हो रही थी मुलाकातें, मर्द हो रही थी और इन द लार्जर इंटरेस्ट हो रही थी, क्योंकि हमारी शहर की कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं बिजनेस कम्युनिटी, वो सब ये चाहते थे कि यार चलो एक अल्ताफ हुसैन से मसला था ना, वो तो अब नहीं है, दोनों में नहीं है तो दोनों दोबारा एक हो जाएं। तो बिल्कुल सत के दिल से इसके साथ बैठे थे और ये अग्रीमेंट हुआ, ये बाकायदा बात हुआ, लिखा गया कि एक नई पार्टी, एक नए निशान और एक नए मंशूर के साथ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक भाई को अम्मी से पूछ के सारे काम करने की आदत है, तो अम्मी से पूछे क्या करना है, अम्मी जैसा बता। अच्छा अम्मी अगर बोले मर्जर नहीं करना है तो फिर अम्मी की बात माने, अम्मी अगर क्या अलायंस नहीं करना, अम्मी की बात बेशक मदर उनके मदर है वो सबके लिए ही मोहतरम है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि सियासत में इस तरह आपको अपनी मदर को नहीं लेकर आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें अच्छा करना भी चाहिए ना, तो मैं समझता हूँ बहुत करना भी चाहिए ना बेटा, तो दोपहर के वक्त कर लें, रात के 2 बजे तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब। चले सर, किसी की वालदा है उनके ऊपर हम कोई कमेंट पास नहीं, फारूक भाई पे कमेंट हो रहा है, वालदा तो मेरी वालदा की तरह है बिल्कुल। अच्छा जो ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आप कैसे समझते हैं कि एक तो K4 मंसूबा तखीर का शिकार है और हुकूमत फंड का जो है वो रोना रोती रहती है कि जी फंड ही नहीं है तो काम कैसे करें, जब फंड नहीं है तो फिर ये BOT को दे दें या फिर ये कोई प्राइवेट ठेके पे दे दें, कम से कम कोई कराची की सूरत हाल तो बेहतर है, जोड़ तोड़ तो दिखाएं। मैं नहीं मानता कि फंड्स नहीं है, सॉरी आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, और अगर मैं पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में होता मैं इस बात को मानता ही नहीं जी, ये मानना गलत है ना। मैंने आपको मिसाल दी ना, फंड्स तो हैं देते नहीं है, फंड्स तो है लेकिन ट्रांसफर ठीक नहीं हो पा रहे, इनकी तो नियतों पे शक हो गया ना, इंटेंट पे शक हो गया, जब इंटेंट पे शक है तो इनसे बेहतरी की उम्मीद रखना बिल्कुल गलत बात है, नहीं रख सकता मैं बेहतरी की उम्मीद, आपको ये सिस्टम तब्दील करना होगा। अच्छा कराची छोड़ देना जी, कराची तो चले आपका पॉलिटिकल राइवल है, नहीं उड़ता लाड़काना का बुरा हाल है बीबी, जहाँ से 2 सदर मुंतखब हुए, भुट्टो साहब भी सदर रहे, सरदारी नवाब शाह के सदर रहे, बेनजीर भुट्टो साहब वजीर आजम रहे, बेनजीर साहबा का शहर है वजीर, उसकी अगर आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, मैं तो कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते बात क्या करें सर, कायद का शहर है ये, तो हम कायद की बात करें, कायद के शहर मैं कह रहा हूँ, 2 शहर है ना, जो 2 शहर की वो तो उनका अपना वोट बैंक है ना, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का शहर बिल्कुल सर, जहाँ पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है वही बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी है। PSP के जो रहनुमा रजा हारून हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, मैं डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और इस वक्त जनाब रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के हवाले से तो बातचीत कर ही रहे हैं हम उनसे, लेकिन कुछ मैं बात करना चाहूंगी पॉलिटिकल भी और कुछ बयानबाजियां जो अब PSP के हवाले से भी सामने आ रही हैं। साद रफीक ने गुज़िश्ता दिनों एक बात की है PSP के हवाले से और उन्होंने कहा कि ये तो मौसमी पार्टियाँ हैं जो वक्त के साथ आती हैं और टूट जाती हैं, किस तरह से उनके इस बयान को देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने उस दिन कहा भी था बयान भी, अच्छे सियासी वर्कर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात, बहुत अच्छे सियासी वर्कर हैं अक्सर स्टेटमेंट देखो, लेकिन तकरीर के शौक़ में इंसान जब जज्बाती हो जाता है तो अल्फाज साथ नहीं देते उसके जहन का। अच्छा, तो मेरे ख्याल में उस दिन दोनों में जहन में और अल्फाज में कोई कोलेबोरेशन नहीं थी, मुँह खुलता गया अल्फाज बाहर आते गए, शायद एहसास भी ना हुआ, सोचा ही नहीं उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून बनी कैसे थी, मतलब मुस्लिम लीग नून बनी थी मुस्लिम लीग जीम से, जो निजर साहब की लीग होती थी जी, उससे ये चंद लोगों ने निकल के अलग ग्रुप बनाया, नवाज शरीफ ने फिर इसका नाम रख दिया मुस्लिम लीग नून, और जब से उसके कायद हैं, जिसका कायद ही नून हो उसके बाद में कोई और कायद बन कैसे सकता है। तो मैंने कल उस दिन एक जुमला कहा था कि ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के अल्ताफ हुसैन। अच्छा, और हाँ वो साद रफीक के जवाब में मैंने कहा था, और दूसरा मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप भाई इतना ही खरे सियासतदान हैं, इतना दबंग बात करते हैं, तो कभी दबंग तरीके से खड़ोगे नवाज शरीफ साहब से, ये लंदन फ्लैट्स के पेपर तो मांग के जरा देख ले, अगर आपने आज तक नहीं देखा वो तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, एक पैसे की कोई करप्शन साबित कर दे, सारा मामला तो है कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा दो चीजों की हिम्मत तो पैदा करते हैं यार आप,
तो नहीं, वो मेरे ख्याल में बड़ा एग्जैजरेटेड और मेरे ख्याल में एक इमोशनल सा स्टेटमेंट था, पता नहीं हमसे क्या खराबी है। अच्छा सर, आने वाले टाइम में बट ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट आई वाज, मतलब मुझे ذاتی तौर पे दुख हुआ था साद रफीक भाई से, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह बात करेंगे, क्योंकि बहरहाल किसी भी सियासी जमात के लिए, मैं तो नहीं कहूँगा मुस्लिम लीग नून के लिए ज्यादा, कि इस तरह के जुमले अदा करना कि जी मुत्तहिदा की तरफ बड़ा झुकाव सकते हैं, कर लें जो बहुत नहीं झुकाव किया है मुत्तहिदा, तो ऑलरेडी मतलब पीएमएलएन का एक सेक्टर बन चुका है। अच्छा, विजन है उनका। हाँ, बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में पीएसपी पाक जमीन पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखा जाता है कि जब आप दोनों का मर्जर होने जा रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी अब कराची की किस्मत कुछ बदल जाएगी, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, जो एक आपका जो एक रिवायती वोटर है वो कैसे फिर पाक जमीन पार्टी की तरफ आएगा, जिसको निशान ही पतंग के ऊपर लगाना होता है। मैं यही तो कोशिश होती है। अच्छा, और यही सोच के तो 3 मार्च को एमकेएम छोड़ी दी गई है। एमकेएम ठीक नहीं है, पतंग का निशान ठीक नहीं है, और हमारे यूथ के खाते देखें, जो 50 से ऊपर हैं, 45 से ऊपर हैं, ये तो उनका क्वेश्चन है ज्यादा। Exactly. जो यूथ है उसको, हाँ, इसको अपनी डेस्टिनी खुद तय करनी है। सही। ये पतंग से एसोसिएट रहना चाहता है जिसका लीडर अल्ताफ हुसैन थे, या ये ऐसे लीडर के साथ एसोसिएट रहना चाहते हैं जो कि अल्ताफ हुसैन नहीं है, नंबर एक बात यह। नंबर दो बात यह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची में बेशक 500 पार्टियां और बन जाए, इसका ये मतलब कहाँ है कि रियासत जो है कराची के शहरियों को उसके हकूक ना दे। ये कैसे तय हो गया कि भाई अगर कराची में एक पार्टी होगी, अच्छा एक पार्टी है तो कौन सा मिल रहे हैं, आज तो कोई मैंडेट तकसीम नहीं है, आज तो एमकेएम है ना, आज तो हम असेंबली में नहीं है, कौन से हकूक मिल रहे हैं कराची को। तो हमें यह करना चाहिए कि कराची में बेशक 500 पार्टियां और आ जाएं, बेशक वो महाजन नाम पे भी काम करें, बिल्कुल वेलकम है, वो कौमी इश्यूज पे काम करें, लेकिन रियासत तो अपना काम करे ना। उसका तो ये फर्ज नहीं कि मेरे घर पे जब वो पानी पहुंचाए, सफाई करना है तो ये पूछे मैं एमकेएम कहूँ पीएसपी कहूँ, नहीं भाई आप सफाई करें, आपका काम है। तो रियासत अगर अपना काम करती रहे और रियासत अगर इन चीजों का सारों का ठेका ले, जो उसका ठेका है आईन में, तो फिर सियासी जमातें सिर्फ सियासत करेंगी, फिर आइडियोलॉजी की सियासत होगी, फिर नजरियात की सियासत होगी। मेरा सियासत ये होना चाहिए कि मैं आपको पानी दूंगा तो वोट दूंगा, मेरा कोई नजरिया मांगू ना आपसे वोट। इलेक्शन से पहले अभी हम देख रहे हैं ये जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू तो हो चुका है, अभी पहली मिसाल आप लोगों की पार्टी और मुत्तहिदा की हमने देखी है, उसके बाद हम देख रहे हैं मजीद भी इस तरह के बयान आ रहे हैं। अभी इमरान खान ने रिसेंटली कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद का हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ मुत्तहिदा के बारे में सोचा जा सकता है, ऐसी कोई सूरत हाल शायद पैदा हो जाएगी। तो आप लोगों की पार्टी का कोई ऐसा इरादा है कि किसी के साथ इत्तेहाद में हमने अगले इलेक्शन को या हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से आप मुत्तहिदा के साथ मिलकर इन इलेक्शन को लड़े, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है? देखिए, एक तो बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है हमारे पार्टी का, पॉलिसी स्टेटमेंट है कि एमकेएम के साथ नहीं हो सकता, इस एमकेएम नाम के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी हमारी बड़ी कैटेगोरिकल है कि हम अब एथनिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। ऑफ कोर्स मैं महाजिर हूँ, मुस्तफा कमाल महाजिर है, महाजिर हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, जिस तरह पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, नंबर वन बात ये। दूसरा हमारा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है कि हम इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे, प्री इलेक्शन अलायंस हमारा फाइनल है जी, पोस्ट इलेक्शन अलायंस करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को भी कभी हमें हम अगर पोस्ट प्री इलेक्शन अलायंस कर लेंगे तो हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे वोट कैसे मांगेंगे। तो मेरा मैनिफेस्टो जो है पार्टी का, मैं उस पर वोट मांगूंगा, और हमें जितनी भी सीट मिलती है अवाम जितनी पजीराई देते हैं अवाम के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्ट इलेक्शन अलायंस हम जरूर करेंगे, लेकिन एक इसमें आज के सिनेरियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नहीं हो, वह पंजाब की पार्टी है। In all fairness, People's Party, मतलब People's Party is the worst. और People's Party वालों को खुद ये ख्याल करना चाहिए कि इतनी बड़ी विफाकी जमात बेनेडिक्ट साहब ने जलसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको अपने People's Party की प्रेजेंस कब बनाएंगे, 4 महीने तो इलेक्शन में रह गए अभी, ये मतलब कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हैं ये लोग। पीपल्स पार्टी जो विफाक की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, मुझे दुख होता है, एक ही थी बेनजीर साहब, वो अब इंटीरियर सिंध की पार्टी होकर रह गई है। दे आर गॉन फ्रॉम पंजाब, दे आर नोवेयर इन केपी के। जलसे तो ठीक है जी, 50-20-15 हज़ार आप कहीं भी आदमी जमा कर लें, इतनी बड़ी आबादी होती है कराची की, 2.5 करोड़ की आबादी है, अगर 15 हज़ार का कोई जलसा करते तो क्या कमाल करता है। तो इसलिए जलसे नहीं, पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस आज अर्बन सिंध में भी नहीं है, सिर्फ रूरल सिंध में। सर, तो पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि कहां गलती हो गई। इलेक्शन की बात की है, पोस्ट इलेक्शन अलायंस की बात की है, कोई ऐसी पार्टी आपको नजर आती है जो आफ्टर इलेक्शन आप जिसके साथ अलायंस करें, जिसका मौकिफ भी पीएसपी की तरह और उनकी भी प्रायोरिटीज पीएसपी की तरह हो, कोई ऐसी नजर आ रही है पार्टी? बिल्कुल है जी, लेकिन मसला ये है कि जी
पोस्ट इलेक्शन लाइन तो ज्यादातर वहां गुंजाइश होगी जहां नंबर्स होंगे। पोस्ट इलेक्शन लाइन आप सिर्फ एक ही लिए करते हैं, एक ही काम के लिए करते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए। अपोजिशन बनाना आपकी चॉइस नहीं होती, अपोजिशन में फंस जाते हैं, जो लोग होते हैं उनको तो आपस में बैठना ही है। अलायंस का जो लव्ज है पोस्ट इलेक्शन, इट्स ओनली फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फॉर्मिंग में अगर यहाँ जिसके नंबर ज्यादा होंगे, अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है तो आप उनके साथ जाएंगे, अगर आप उनसे अग्री नहीं करते, जैसे पीपल्स पार्टी से अग्रीमेंट बहुत मुश्किल है हमारा माइंड, मुत्तहिदा से भी उतना ही मुश्किल है। हाँ, मुत्तहिदा तो हो ही सकता, मुत्तहिदा का तो मंशूर है ना, वो कहते हैं उनके नाम के साथ, लेकिन नहीं अभी भी बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की। मैंने आपको कहा ना कि तारुल कादरी साहब ने कहा कि जितनी भी जमातों ने सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हमारा साथ दिया है, मॉरली भी और जैसे भी साथ दिया है, हम उनसे तारुल कादरी साहब बिल्कुल। मैं पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसका एक नेशनल एजेंडा है, जिसकी प्रेजेंस इस वक्त और इमरान खान साहब के जलसे जो पूरे मुल्क में हो रहे हैं वो हर जगह हो रहे हैं, किसी एक जगह कन्फाइन है, तो ही इज वन ऑफ देम। PMLN भी मुमकिन है अगर वो थोड़ा सा अपना नेशनल कलर लेकर आए। अच्छा, नेशनल कलर मिसिंग है उनके पास, बहुत मिसिंग है। अच्छा सर, पाक से जमीन पार्टी एक्सपेंड होने जा रही है, मजीद राइज कर रही है, इतनी सारी मुश्किलात हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन उसके बावजूद क्या समझते हैं, फ्यूचर क्या है? बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना, वो क्या जो दर्जा हालात के तूफान दौर से साल में जीना मुश्किल है। अच्छा, लाजिम है जो साल में लोग आ रहे हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और ओवरऑल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बड़ा अच्छी प्रेजेंस है हमारी, KPK में हम सातों डिविजन में मौजूद है, ऑल्दो विनिंग पोजिशन में नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बलूचिस्तान में विनिंग पोजिशन में। जो लोग आते हैं, जो आपको ज्वाइन करते हैं या जिन इलाकों में आप जाते हैं देखने के लिए कि जी क्या काम हो रहा है, या लोगों को आप बताते हैं कि भाई हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो ये है, उसके बाद क्या रिएक्शन आता है? वो कहते हैं नहीं, हम लोग पाक से जमीन पार्टी के साथ हैं, वी विल वोट फॉर यू। नहीं, नोबडी सेज दैट राइट एट द मोमेंट, बिकॉज इट्स वोट के लिए किसी से बात करना इट नियरर द इलेक्शन, बहुत ज्यादा अभी एग्जॉस्ट करना भी नहीं चाहिए, अभी से इलेक्शन कैंपेन में चला एरिया का, एक एरिया के लोगों का जेस्चर ही आपको बता देता है ना, बिल्कुल बताता है कि वेलकमिंग है। मैं एमके में तो इतना वेलकमिंग नहीं था, क्योंकि मैं एथनिक पॉलिटिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता था, तो मुझे वेलकमिंग नहीं होती थी। अभी मैं पंजाब जाता हूँ, बलूचिस्तान जाता हूँ, KPK जाता हूँ, लोग वेलकम है। KP, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी MKM के होते हुए नो डिसरेस्पेक्ट टू MKM और फुल लीडर, हम कभी भी कराची से बाहर किसी हाईकोर्ट बार को खिताब नहीं कर सके। मुस्तफा कमाल साहब लाहौर हाईकोर्ट बार खिताब कर चुके हैं, पेशावर हाईकोर्ट बार खिताब कर चुके हैं, कोयटा में हाईकोर्ट बार से 3 दफ़ा कर चुके हैं, हम इन चारों सूबों के प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं, फंक्शन कर चुके हैं, वर्कर कन्वेंशन कर चुके हैं, अभी हम कोयटा से होकर आ रहे हैं, बड़ा वर्कर कन्वेंशन करके आ रहे हैं, बड़ी रैली निकाली हमने पाकिस्तानी फ्लैग से साथ, कोयटा में पाकिस्तानी फ्लैग, जस्ट इमेजिन, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने किया करके दिखाया, इसलिए कि कोयटा का यूथ हमारे साथ है। सो पूरे मुल्क में एक पसीराई है सर। अभी हम करंटली देख रहे हैं मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम पर निकल चुकी हैं, चाहे वो अवामी राबता मुहिम हो, डोर टू डोर जाए, या फिर वो जल्द से जलूस के थ्रू करें, प्लस मुत्तहिदा की अगर बात करें तो मुत्तहिदा ने भी जो मर्दमशुमारी का इशू है वो पब्लिक इशू को अपना मौकिफ बनाया हुआ है, जिस बेस पर वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है। आप लोगों की पार्टी का इस वक्त ऐसा कौन सा इशू है, या फिर आप लोगों की जानिब से इस तरह से कोई इंतखाबी यू नो कैंपेन्स नहीं की जा रही, क्या वजह है? की जा रही है, अभी हमने 11 से 13 नवंबर तक मेंबरशिप कैंपेन की है, और उसके अंदर हमें कराची में सिर्फ मोर देन 100,000 मेंबर्स बने, नॉट वर्कर्स, मेंबर्स बने हैं। आज अभी मैं आपके प्रोग्राम से सीधा हैदराबाद जा रहा हूँ, 2 रोज़ा मेंबरशिप कैंपेन है हमारी, हैदराबाद में करेंगे, उससे पहले सिंध का 3 रोज़ा दौरा हुआ है, तो माशाल्लाह वी आर गोइंग गुड। सब मुत्तहिदा तो मर्दमशुमारी को लेकर चल रही है पब्लिक इशू, आपका कौन सा मौके पे? मुत्तहिदा तो किसी चीज को लेके नहीं चल रही, सुपरफिशियली तो वो बहुत सारी बातें करती है, लेकिन देखना ये है कि हकीकत में क्या। सर आप बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए, तो आप ऐसा करें कि चाय के साथ जो है वो नान खताई भी ट्राई कीजिए, और क्योंकि जी बिल्कुल, तो ये नान खताई जो है बड़े मजे की है। तो आगे हम अभी आपको बताते हैं जुनेद जमशेद के हवाले से बात करते हैं कि जुनेद जमशेद को जुदा हुए 1 साल कैसे गुजरा, ये इंतहाई तकलीफ की बात है। 7 दिसंबर 2016 को तबलीगी दौरे के बाद चित्राल से इस्लामाबाद वापसी पर जुनेद जमशेद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ और कौम का ये अजीम सपूत रुखसत हुआ। जुनेद जमशेद के साथ उनकी दूसरी अहलिया ने भी शहादत का रुतबा पाया। खानदान से जुड़ी खुशियां हो या कोई भी मुश्किल आए, बच्चों को अपने बाबा की कमी महसूस होती है, जिससे उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती हैं। जुनेद जमशेद के बच्चों के वाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने इंतहाई कम उम्र में ही घर वालों की जिम्मेदारी भी संभाल ली है, और अपने बाबा की तरह अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया भर में फैलाने को ही अपना मिशन बना लिया है। इसी हवाले से मजीद बात की है हमारी साथी एंकर अस्मा नवाज ने जुनेद जमशेद की पहली बरसी के मौका पर उनके बच्चों से, आइए देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज के साथ मैं हूँ अस्मा नवाज। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ खसूसी मेहमानों से और इनका ताल्लुक उस शख्सियत से है जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अपनी आवाज़ से, अपने ब्रांड से पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया पाकिस्तान को और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का प्रेजेंट किया। जी हाँ, हम बात करें जुनेद जमशेद साहब की, मरहूम, जिनको हमसे बिछड़े हुए एक बरस हो गया है, लेकिन उनकी यादें किसी तौर भी कम नहीं होंगी क्योंकि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। नातें, उनका कलाम जो है वो हमेशा उनको हमारे बीच में ज़िंदा रखेगा। और भी बहुत सी बातें उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से जानने के लिए आज हम उनके साहबजादों बाबर और तैमूर से बात करेंगे। वैसे तो वो एक खुली किताब ही थे, सबके सब जानते थे कि उनका रवैया कैसा है, वो कैसे हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, लेकिन फिर भी जो फैमिली रिलेशन था अपने बेटों के साथ, उनके कैसे वक्त गुजरता था, ये सब बातें जानने के लिए आज हमने जहमत दी है उनके साहबजादों को बाबर और तैमूर से। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं कि जुनेद जमशेद साहब के साथ उनकी कैसी यादें। बहुत ही उनका एक रिलैक्स्ड उनका नेचर था, बहुत फ्रेंडली नेचर था हमारे साथ। कोई भी बात होती थी आके समझाते थे, कोई ऐसा नहीं जो एक लोग इमेजिन करते होंगे कि भाई ये दाढ़ी वाला आदमी है, ये तो सख्ती करता होगा, सब कुछ भी नहीं, हंसी मजाक ही चल रहा होता था घर के अंदर। और कोई मेनली उनका हमेशा फोकस था नमाज पे, वो आकर हमें समझाते थे इसकी इम्पोर्टेंस की है और ये हमें समझाते थे कि ये हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है। हम वो सख्ती करते तो शायद हम वो बात समझ ना सकते थे, तो उनने समझाया कि बेटा इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने नसीहत मुझे करी कि अल्लाह की राह में दो, तो उन्होंने बोला ये अल्लाह ताला के साथ ऐसा सौदा बनाओगे जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है, मतलब ये आप अल्लाह की राह में दोगे और डबल ट्रिपल होकर आएगा। और ये हम उनकी ज़िंदगी से देख भी सकते हैं, उनने अपना म्यूज़िक का करियर छोड़ा, इतना उनको जुनून था म्यूज़िक से, वो सब उन्होंने छोड़ा अल्लाह के लिए और देखिए फिर अल्लाह ताला ने क्या इज्जत दी, सारी दुनिया भर में उनका नाम, हर कोई उनको बुलाए और इज्जत करे। कभी तो ऐसा होगा तैमूर के कभी आपने कोई ऐसी गलती की हो या पढ़ाई में कम मार्क्स लिए हो, कोई ऐसा इशू हो कि बाबा को गुस्सा आ गया हो, ये तो हो नहीं सकता कि डांटना पड़ी हो। मैं आपको बताऊँ, मुझे कोई ऐसा वाकया नहीं याद आया जिसमें वो घर में कभी गुस्सा हुए हो, लेकिन बस मेन उनका फोकस था कि बेटा नमाज नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरा मतलब उनने कभी ये बोला नहीं, लेकिन अब उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि देखो किस चीज़ में इज्जत है। वो पहले म्यूज़िक भी करते थे तो टॉप के उनने अपना सारा पीक देखी, लेकिन इज्जत उनको कहाँ मिली, जब उनने अल्लाह की रस्सी को थामा। तो इससे मैंने खुद सीखा कि असल जो काम है वो अल्लाह का काम है। आज मैं क्या कहते हैं, एक वहाँ गया हुआ था, एनजीओ पे गया हुआ था, वहाँ पे बच्चों को ऑटिज़म हुआ हुआ था, बचपन से उनको हो जाता है, तो वो भी जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। अब्बा वहाँ भी गए थे, वहाँ भी अब्बा की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो यही बता रहे थे कि देखो, मतलब वो यही बता रहे थे कि अब्बा भी यहाँ आए हैं। और वो कोई किसी को बता कर नहीं जाते थे ऐसी जगहों पे कि ताकि कोई देखे और उसकी कोई कुछ वो करे, मुझे भी नहीं पता था अब्बा वहाँ गए हुए हैं, जब तक मैं अभी वहाँ गया नहीं, उनकी तस्वीर नहीं देखी। तो ये सारी वो चीज़ें कि इससे ये अल्लाह खुश होंगे कि ऐसे बच्चों को आप देखो, सपोर्ट करो और उनके लिए एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करो, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका बस यही इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको वो थोड़ा सा क्योर तो नहीं करते, लेकिन आपको सोशल स्किल्स आपकी बेहतर करते हैं। ऑटिज़म में बेसिकली बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्पीक नहीं कर सकते, म्यूट होते हैं, और वो बेसिकली हम जैसों से डिफरेंट होते हैं, उनको सॉलिट्यूड ज़्यादा पसंद है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, तो बस उनको मोल्ड करते हैं। जैसा कि अभी आपने इस वाक्य का जिक्र किया और आप यही कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बाबा बताए बगैर जाते थे और फलाही काम करते थे। दुनिया में बहुत से लोग मिलते होंगे आपको, बाबा के बारे में बात करते होंगे और आप फख्र महसूस करते होंगे, क्या तासुरात होते हैं उस वक्त आपके? काफ़ी कभी कभी मुझे खुद काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि वो कभी भी उनकी हयात होते हुए ज़िंदगी में हमने कभी ये चीज़ें नहीं सुनी थी, कोई आके हमें यूँ बताता नहीं था, लेकिन अब जब ये इंसिडेंट हुआ, लोग इतने सारे दुनिया भर से आए और बताया कि अब्बा किस तरह उनसे हमेशा कांटेक्ट में होते थे और किस तरह एक मैं आपको वाकया बताऊँ, क्या कहते हैं, अभी मैंने रिसेंटली सुना है, ये अब्बा के साथ होते थे मौलाना इमरान बशीर, अब्बा के साथ होते थे,
उन्होंने बताया जब क्या कहते हैं वो इस्लामाबाद में थे, कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब उनके पास न्यूज़ आई वो सब छोड़कर कराची आ गए ना, कि सोचा कि बस कराची आ जाता हूँ, यहीं पे सारा सिलसिला होगा। तो जो उनको ड्राइवर लेने आया हुआ था तो उसकी भी आंखें सूजी हुई, सुर्ख लाल। तो उन्हें पूछा कि ये तुम्हारे से क्यों हुआ है, तुम ऐसे क्यों मतलब रो रहे हो, तुमसे है कोई ताल्लुक उनका? उसने बोला मैं एक ही दफ़ा मिला था उनसे, लेकिन वो जो एक दफ़ा मैं उनसे मिला उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा उनके साथ क्या हुआ। फिर मौलाना इमरान बशीर उनके साथ बैठ गए गाड़ी में और उनसे पूछा ये वाकया बताओ। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा सिलसिला हुआ कि इसी तरह अब्बा को वो शौक लेने आया और क्या कहते हैं, जब अब्बा बाहर आए तो देखा कि उसकी आंखों में नींद थी, उसी ड्राइवर की आंखों में नींद थी। तो अब्बा ने उससे पूछा कि तुम सोए हुए नहीं हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़ी, वो दूसरा ड्राइवर नहीं आया। तो दूसरा फ़ौरन सवाल किया तुमने नाश्ता किया है? तो उसने बस हल्का सा सर हिलाया कि मैंने नहीं किया। उसने कहा आओ। तो उसने कहा शो, अब्बा ने कहा शो वगैरह तो होते रहते हैं। उसको अंदर लेकर आए, उसके लिए खुद नाश्ता लेकर आए, उसको नाश्ता कराया। फिर जब जाने की बारी आई तो ड्राइवर को बोला कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम नींद में हो, तुम आराम करो। उसने बहुत वो हिचकिचाया, लेकिन उसने फिर अब्बा ने माना ही नहीं, गाड़ी उससे ले ली और जहाँ वो क्या कहते हैं स्टूडियो जा रहे थे, तो स्टूडियो जाने से थोड़ा सा पहले उन्होंने गाड़ी रोक दी और उस ड्राइवर को गाड़ी दे दी कि कहीं इंतज़ामिया ने देख लिया तो तुम्हारी जो है इस वक्त जॉब जो है ना वो उसका मसला हो सकता है, तुम्हें डांट वगैरह पड़ सकती है। तो देखिए ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं पता थी, ये लोगों की कहानी है, वो ड्राइवर ऐसे क्यों किसी को यूँ बताएगा? तो लेकिन ये देखें इस तरह की, अब जब उनके जाने के बाद इस तरह के लोगों को ये इस तरह की किस्से मुझे पता चल रहे हैं तो मैं आगे भी शेयर कर रहा हूँ कि बस उनका बस ये इस तरह का इखलास। बाबर तलमून ने तो बाबा की बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन आपसे थोड़ी राज की बात दिलवाना चाहूंगी कि जब आप दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होती होगी कभी, या छोटे भाई से लड़ाई होगी, या स्टडीज में कभी बुरे मार्क्स आए होंगे, कोई ऐसा इशू होगा, फिर तो कोई ना कोई बात बाबा ने जरूर की होगी। पहली बात, बाबा डांटते तो नहीं थे और हमारे में लड़ाइयाँ भी कभी नहीं हुई वैसे। यस, तो लेकिन क्या कहते हैं, हाँ अगर कोई भी बात होती थी तो हमेशा हम सबको बिठा के हमसे मशवरा लेते थे। जैसे अपने कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या स्टडीज में यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रॉब्लम अगर कभी आप लोगों को आया हो, तो बाबा क्या मशवरा देते थे, कैसे गाइड करते थे आप लोगों को, इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हैं? जो मैंने बाबा से जो सीखा है उनकी पूरी लाइफ में, मैंने पूरी अपनी 22 इयर्स की लाइफ में, वो जब जब घर पे होते थे और फजर का टाइम होता है, सुबह सुबह उठते थे, हम मुझे उठाते थे और मेरे साथ कमरे में आकर बैठते थे, तो वो मुझसे आकर पूछते थे, वो मेरे तो बाबा थे तो मेरे से तो यही सवाल करेंगे कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है आगे, क्या बनना है। तो जो मैं उनको प्रॉब्लम्स बताता था वो उनकी इस तरह सोल्यूशन देते थे कि बेटा देखो इस तरह करना है, और बड़े प्यार से आपको समझाएंगे कि आप, वो उनका एक हमेशा से सब लोगों के लिए एक नेचर ये था कि वो सबको इनक्रेज करते थे। इवन दो अगर मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ, मैं स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, मेरे कोई करियर में ख़राब चल रहा, वो मुझे बोलेंगे बेटा नहीं ठीक है, नहीं हुआ अगली दफ़ा कर लो, इस तरह कर लो। तो जब आपको कोई, आपके स्पेशली बाबा आपको इतना मोटिवेट करें, इतना इनक्रेज करें, तो बस आप बोलते हो कि हाँ यार बस कर ही देते हैं इस दफ़ा। तो उनका ये नेचर था सबके साथ। बाबा की याद में तैमूर आपने एक बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो लिखा है, आपने हमसे शेयर किया, मैं चाहूंगी कि आप मुझे भी सुनाइए, व्यूअर्स को भी सुनाइए, और अपनी खूबसूरत आवाज में आप बाबा के लिए जो है वो कलाम ट्रिब्यूट कीजिए। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, क्यों चले गए हो छोड़ के मुझको, तुम क्यों तन्हा यूं चले गए हो, वो जो प्यार था कहाँ खो गया, वो जो साथ था जुदा हो गया, तुम ही बताओ कैसे सहूं जो गम दे गए हो, जाते जाते खुशियां सारी तुम ले गए हो, मुझे है खबर मुझे है पता, मेरे पास अब तुम नहीं हो, जो कारवां तुम लेके चले थे वो ना रुकेगा,
जो ख्वाब तुमने देखा था बाबा सच हो के रहेगा मेरे बाबा प्यारे बाबा तुम साथ मेरे हो। जुनेद जमशेद के बच्चों की बातें आपने सुनी और वाकई में जो यादें उनकी बच्चों की हैं वो तो किसी और के साथ हो नहीं सकती। और जब भी जुनेद जमशेद साहब का जिक्र आता है तो मेरे ध्यान में वो एक ही शेर आता है कि बिछड़े कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इस वक्त रजा हारून साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। रजा साहब, कोई ऐसी मेमोरी आपकी जुनेद जमशेद साहब के साथ हो, कभी आपसे मुलाकात हुई हो, कैसा देखा आपने उनकी पर्सनैलिटी? बहुत मुलाकात रही है, बातचीत रही है, जहाँ भी रही है, जब वो लंदन में होते थे वहाँ भी उनसे रहती थी और बहुत अच्छे इंसान। ठीक, आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे उनकी, कि उनकी जो पॉजिटिव चीज थी और जबरदस्त चीज, कमाल ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ। कमाल, एक अमेरिकन था यूसुफ, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, मतलब बहुत अच्छे तब्दील करते हैं वो। दूसरा, मैंने जुनैद जमशेद ने बात देखी, कहाँ वाइटल साइन और कहाँ जुनैद जमशेद जो है वो तबलीग कर रहे हैं, नाच पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैं बिल्कुल, जब हम यहाँ आ गए थे और ये सब सिलसिला हो गया था PSP का, तो अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती, तो एक दिन उनसे बात थी तो मुझे फ़ोन, उनका फ़ोन आया मेरे पास, कहने एक दुआ रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ और इसको पढ़ना यार, और इसको पढ़ के घर से निकला करो, ये हादसात से बचने की, सानियात से बचने की दुआ है, हिफाजत फरमाएगी। तो मैंने वो दुआ उन्होंने भेजी, वो मेरे पास फ़ोन पे मेरे घर पे रिकॉर्ड है आज भी। अच्छा। मैं दुआ वो सुनता था उसको, मैं पढ़ता इसलिए नहीं था कि मुझे उनकी आवाज़ में सुनने में मज़ा आता था, उनकी वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजता, मैं सुन के निकलता था। उसके चंद दिनों बाद ही हादसा हुआ है, तो ये मेरे जहन से मेमोरी जाती नहीं कि यार उन्होंने मुझे दुआ भेजी, फ़ोन किया यार ये दुआ पढ़ के निकला करो, हादसा सानियात, और खुद एक हादसे का शिकार हुए। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह जो इम्प्रेस कर जाए, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए पूरी कौम जो है ना वो अफसरदा हो और रोए, और पूरी कौम जो है वो इस दुख को जो है आज भी मतलब देखे तब भी वो याद वैसे ही ताज़ा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जुनैद जमशेद को इस बरसी के मौके पर उनकी बरसी के तौर पर याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दैट ब्रिंग सैडनेस। जुनैद शायद ये नहीं चाहते, जुनैद की ख्वाहिश कुछ और होती कि हम उन्हें किसी और तरह याद रखें, तो हमें उनकी वो अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, उनको सुनना हाँ। चाहिए। उनका चेहरा इतना जबरदस्त है कि आपका चेहरा देखें एकदम से आपको फील होता है कि नहीं यार, तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, जबरदस्त सही। अच्छा, इसी तरह के जो हादसात होते रहते हैं पाकिस्तान में, यूजुअली इतना बड़ा सानिया हुआ जुनैद जमशेद का, ATR तैयारे का, उसके बावजूद भी हमने सबक नहीं सीखा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर हमारे फ्लाइट ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है, ताखिर हो रही है, फ्लाइट कहीं जा रही है लेकिन उतार कहीं लिया जा रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो ये मामला हम ठीक क्यों नहीं करते सर? ऊपर जो है ना घर का सरबरा अगर ठीक हो, हमारे तो वालदैन ठीक थे और उन्होंने फिर हमें वही तरबियत दी, तो घर के सारे बच्चे उनके ठीक ही निकले मेरे ख्याल में, मेरे अलावा तो सभी ठीक हैं। अच्छा। तो ये सरबरा पे होता है, इसी तरह रियासत का सरबरा होता है, रियासत का एक निज़ाम होता है, उसमें सज़ा और जज़ा का तसव्वुर होता है, उसमें रिवॉर्ड का तसव्वुर होता है, उसमें हकूक होते हैं, इख्तियार होते हैं, अगर उन सब में बैलेंस हो। जब आप किसी इदारे का सरबरा ज़ाती पसंद नेपोटिज़्म पे लगाएंगे, जब आप मेरिट का ख्याल नहीं रखेंगे और अहलियत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो यही हादसात होंगे, यही सानियात होंगे और इदारे एक एक करके तबाह होंगे। रेलवे तबाह हुआ, स्टील मिल तबाह हुआ, PIA तबाह हुआ, आप देखते जाए कि अच्छा ये वो चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मिसाल को गलत मत समझिएगा कि स्टील मिल हमारे वज़ीर आज़म साहब की तो अच्छी चलती है, मुनाफा बख्श भी होती है, स्क्रैप में भी बेचते हैं तो अच्छे खासे मिलियन डॉलर्स मिल जाते हैं। PIA के साथ साथ एयर ब्लू भी है, बिल्कुल साबका की स्टील मिल के मामले रहते हैं, मौजूदा के एयर ये बात वही है कि घर का सरबरा जो है वो